नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंटर की कॉपी की स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से होंगे आवेदन। एनटीपीसी परीक्षा देने वालों के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। पंचायत चुनाव में मतगणना को लेकर नई गाइडलाइंस हुई जारी। सरकार की जानकारी के बगैर कर्मचारी नहीं खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 211 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 133 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 66 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जहानाबाद में 16 मामले और भागलपुर में 13 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो यह 99.03% दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 261,839 रहा है, जिसके बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 1,000 हो गई है। कृषि विभाग की योजना छत पर बागवानी में होगा बड़ा बदलाव। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने लोगों को घर पर ही खेती करने के लिए प्रेरित करने को लेकर छत पर बागवानी योजना में बड़ा बदलाव करने जारी है। इस बदलाव के बाद योजना को मंजूरी मिलने पर वैसे लोग भी बागवानी कर सकेंगे जिनके घर की छत मात्र 100 वर्ग फुट की है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 300 वर्ग फुट की छत में ही बागवानी की जा सकती है। आपको बता दें कि इसमें इकाई पर 50,000 रुपये खर्च आते हैं। लाभुक पहले 25,000 रुपये जमा करता है, इसके बाद सरकार 25,000 रुपये और कर एजेंसी को 50,000 रुपये देती है, जिसके बाद यह एजेंसी ही छत पर बागवानी का पूरा सेटअप तैयार कर देती है। इस योजना के लिए आपको उद्यान निदेशालय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिलहाल विभाग को पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, गया में बागवानी की 1380 इकाई लगानी है। अभी तक इन शहरों में 47 इकाइयां हैं। 1 अप्रैल से 45 से अधिक उम्र के लोगों का होगा टीकाकरण। बिहार में 1 अप्रैल से 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। आपको बता दें कि इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या राज्य में करीब 1,05,00,000 है। इसके तहत सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने 45 से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य में केंद्र बढ़ाने के निर्देश भी सभी जिलों को जारी कर दिए हैं। फिलहाल 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण ही किया जा रहा है। इसके साथ ही 45 से 60 वर्ष की उम्र के सिर्फ वैसे लोगों को टीकाकरण का लाभ मिल रहा है जो कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। बता दें कि इससे पहले सरकार ने पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स, तीसरे चरण में बुजुर्ग नागरिकों को कोरोना टीका लगवाने का मौका दिया है। मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटे में तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि बिहार के अधिकतर जिलों में पिछले 2 दिनों में पारे में गिरावट से गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में सूबे के सभी शहरों में 1.5 से 2 डिग्री पारे में गिरावट आई है। पटना और गया में अधिकतम पारा सामान्य के आसपास 34.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, मगर आज से एक बार फिर गर्मी के बढ़ने के आसार है। इस दौरान अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री ऊपर जा सकता है। इसके बाद फिर से पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आसमान में बादल की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि आपको बता दें कि होलिका दहन और होली के दिन मौसम सामान्य बना रहेगा। राजधानी पटना का सेकंड टॉपर बन शुभम ने दिया संदेश। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 में कई छात्रों ने हर मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी लगन और मेहनत की बूते सफलता पाई है। इस क्रम में पटना जिले के शुभम कुमार ने इंटर में साइंस संकाय में जिले भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शुभम के पिता नहीं है और उनकी माँ रेणु देवी ने दूसरे के घर चौका बर्तन कर परिवार का पालन पोषण किया और बेटे को पढ़ाया। आज शुभम ने अपनी मेहनत से परीक्षा में 464 अंक लाकर न सिर्फ अपनी माँ का नाम रोशन किया बल्कि कई विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा भी बन गया। विज्ञान में रुचि रखने वाला शुभम IIT में पढ़कर साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करना चाहता है। 29 अप्रैल से होगी इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा। बिहार बोर्ड ने शुक्रवार को इंटर के रिजल्ट की घोषणा कर दी। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लेने की भी घोषणा कर दी है। परीक्षार्थी एक या अधिक विषय में स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक 1 अप्रैल को उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं प्रत्येक विषय की स्क्रूटनी के लिए 70 रुपये का शुल्क ऑनलाइन ही जमा करना होगा। वहीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन 29 अप्रैल से 10 मई तक आयोजित होगा। इसके लिए परीक्षार्थियों को 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आवेदन करना होगा।
नियम की भेंट चढ़ गया रोहतास का वृहद चूना पत्थर का भंडार। बिहार के रोहतास जिले के कई स्थानों में चूना पत्थर का विशाल भंडार है, मगर उनका खनन नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसके पीछे वन विभाग के नियम कानून का पेच फंसा हुआ है, जिस कारण चूना पत्थर के अलावे पायराइट्स, पोटेशियम जैसे खनिज पदार्थ के बड़े भंडार होने के बावजूद भी यहाँ इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है और इसका बुरा असर यहाँ के उद्योग धंधों पर भी पड़ रहा है। रोहतास में साल 2012 से ही उद्योग बंद पड़े हैं और इसका खामियाजा राजस्व को भी झेलना पड़ रहा है। सरकार की पहल से अगर चूना पत्थर खदान को वन क्षेत्र से मुक्त कराकर खनन कार्य शुरू किया जाता है तो रोहतास ही नहीं सूबे के दूसरे जिलों के सीमेंट फैक्ट्रियों को भी कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होने लगेगा। सूबे के 267 अंचलों में जल्द काम करेंगे मॉडर्न रिकॉर्ड रूम। बिहार के 534 अंचलों में से 267 अंचल ऐसे हैं जहां अब जल्द ही आधुनिक अभिलेखागार यानी कि मॉडर्न रिकॉर्ड रूम काम करने लगेंगे। इस बात की जानकारी विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने दी है। उन्होंने बताया कि काम तुरंत शुरू हो इसके लिए बेल्ट्रॉन को तत्काल डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा देने के लिए कहा गया है। अभिलेखागार में 4 कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर के अलावे सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी योजना है। आपको बता दें कि अंचल स्तर वाले जमीन के सभी रिकॉर्ड इस मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में रखे जाएंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण वादों से संबंधित अभिलेख एवं संचिकाएं भी यहां रखी जाएंगी। वहीं यहां से अगर किसी को नक्शा लेना होगा तो आवेदक को ₹150 प्रति शीट के लिए चुकाने होंगे। चुनाव आयोग ने मतगणना और ईवीएम के लिए जारी किए गाइडलाइंस। बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी फुल प्रूफ व्यवस्था तैयार की है। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि ईवीएम के एसडीएमएम में दर्ज वोटों की गिनती से पहले मतगणना टेबल पर मौजूद एजेंटों को बाहरी स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील एवं अन्य महत्वपूर्ण सीलों को जांचने पर रखने की छूट होगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस पर लगाई गई सीलों की जांच की जाएगी। इन सब के बाद ही निर्वाची पदाधिकारी ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती करेंगे और इस दौरान उम्मीदवारों और एजेंट की मौजूदगी में वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव में खास किस्म के मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होना है। ऐसे ईवीएम का प्रयोग बिहार में पहली बार होगा। इस खास किस्म की ईवीएम से पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए मतदान किया जा सकेगा। पूर्व मध्य रेलवे चलाएगी एनटीपीसी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित एनटीपीसी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूर्व मध्य रेल ने एक राहत भरा फैसला लिया है। इसके तहत परीक्षा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय रेलवे ने लिया है। इसके तहत गया जंक्शन के रास्ते गाड़ी पटना आनंद विहार टर्मिनल पटना एनटीपीसी परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रतिदिन किया जाएगा, जबकि आनंद विहार टर्मिनल पटना एनटीपीसी परीक्षा स्पेशल 31 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रतिदिन चलेगी। इस दौरान यह बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगी। इससे एनटीपीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ होली पर्व के बाद वापसी यात्रा के लिए भी यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। शहरों की तरह गांव पंचायतों में लगेंगे सीसीटीवी। शहरों की तरह अब गांव में भी सुरक्षा को पुख्ता बनाने की तैयारी में बिहार सरकार जुट गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि शहरों की तरह ग्रामीण इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी गांव और पंचायत में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अलावा गांव में खेल के मैदान और पार्कों के विकास की भी योजना है। इस बात की जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य की 8300 पंचायतों के सौंदर्यीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा। वहीं छठ घाटों का निर्माण, जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए नाली और गली के निर्माण में भी फंड की राशि का उपयोग किया जाएगा। सरकार को जानकारी दिए बिना कर्मचारी नहीं खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी। बिहार के सरकारी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में 4 महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हर हाल में देना होगा। सरकार का यह नया नियम प्रथम से लेकर तृतीय वर्ग के कर्मियों के लिए ही अनिवार्य है, जबकि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया है। नए आदेश के अनुसार अब संपत्ति का ब्यौरा देने वाले पदाधिकारियों को परिवार के किसी सदस्य के नाम से जारी संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी। यही नहीं, इन कर्मचारियों को विरासत या फिर स्वयं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही अगर इन कर्मचारियों पर किसी भी तरह का कर्ज है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष, तो उसकी भी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। ऋतिक रोशन निभाएंगे गैंगस्टर का किरदार। जल्द ही बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन एक सुपरहिट फिल्म के रीमेक में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक ने साउथ की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के लिए हामी भर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन फिल्म में हीरो नहीं बल्कि विलन के किरदार में दिखेंगे। फिल्म में ऋतिक वेधा यानी कि एक गैंगस्टर के किरदार में दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान फिल्म में विक्रम यानी कि पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म में विलन बनने के लिए ऋतिक रोशन ने तैयारियां शुरू कर दी है और बॉडी लैंग्वेज पर काम से लेकर डिक्शन और फिल्म में उनके लुक्स को लेकर बात की है। कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इस साल गर्मियों में शुरू हो जाएगी।
बिहार क्रिकेट लीग में दरभंगा डायमंड्स ने मारी बाजी। आईपीएल की तर्ज पर ही बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पिछले दिनों किया गया था, जिसके फाइनल मुकाबले में दरभंगा डायमंड्स ने खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में दरभंगा डायमंड्स ने पटना पायलट्स को 3 विकेट से हराकर टूर्नामेंट को जीत लिया है। इस मैच में मैन ऑफ द मैच दरभंगा डायमंड्स के अर्णव किशोर रहे, जबकि मैन ऑफ द सीरीज विपिन सौरभ को दिया गया, जिन्होंने दरभंगा डायमंड्स के लिए 2-2 शतक लगाए थे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस लीग के फाइनल मुकाबले में दरभंगा डायमंड्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जहां बल्लेबाजी को उतरी पटना पायलट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। इसके बाद 141 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दरभंगा डायमंड्स ने 19 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाकर खिताब को अपने नाम कर लिया। दूसरे वनडे मैच में हार के बाद कप्तान विराट ने दिया बयान। बीते दिन भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कोहली इस मैच के साथ ही पिछले 43 पारियों से शतक जड़ने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी बात रखी है। विराट ने कहा कि वह कभी किसी व्यक्तिगत उपलब्धि को ध्यान में रखकर बल्लेबाजी नहीं करते हैं। कोहली ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में जॉनी बेयरस्टॉ और बेन स्टॉक्स की साझेदारी के दौरान उनके पास कोई मौका नहीं था, लेकिन जब दो शीर्ष टीमें खेलती हैं तो एक टीम आसान जीत दर्ज कर लेती है, हार का कोई बहाना नहीं होता है। कोहली ने कहा कि पिछली बार हमने वापसी की थी और इस बार इंग्लैंड ने हमें कोई मौका नहीं दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे वनडे में भारतीय टीम की हार की वजह क्या रही। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर